एवरीवन, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हियर टू टीच यू ईवीएस क्लास थर्ड। ईवीएस में हम करेंगे 22nd चैप्टर का ह्यूमन बॉडी अ परफेक्ट मशीन। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इंसानों का जो शरीर है वो कैसा है, वो एक मशीन की तरह है। ठीक है, एक मशीन की तरह हमारी बॉडी जो है वो जो सारे काम कर सकता है, मतलब एक टाइम पे तो नहीं, अलग अलग टाइम पे ही सही, पर सारे काम वो कर लेता है। इट इज़ अ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, ईच पार्ट्स हैज़ अ स्पेशल जॉब। जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी की, उन सारे पार्ट्स के अलग अलग स्पेशल काम हैं। हाथों से हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, है ना, हाथों का भी अलग वर्क है, पैरों से चलते भी हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमारे बॉडी में जो पार्ट्स हैं, हैंड हो गए, लेग्स हो गए, आइज, ईयर्स, नोज, इन जितने भी हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। चाहे इंटरनली हो, जो अंदर वाले पार्ट हो आपके ऑर्गन सिस्टम, उनका भी अलग काम है। बाहर वाले जो आउटर सिस्टम जो आपके हैं, बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं, वो उसके भी अलग काम है। अब आपका जो इसमें बोला है कि सेंस ऑर्गन्स जो है उनका क्या क्या काम है, वो किस तरीके से वो काम करता है, तो उसमें हम वो कर लेते हैं कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं आपके, उसमें पहला है आपका, तो सेंस ऑर्गन सबको पता है क्या क्या है, नोज, आइज, ईयर्स, टंग, स्किन, ये तो आपके फाइव सेंस ऑर्गन्स है, फाइव सेंस ऑर्गन है ना। अब इन फाइव सेंस ऑर्गन्स में अब ईयर से हम क्या करते हैं, ईयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो क्या करते हैं हम, हियरिंग जो होता है वो सुनना होता है, तो हम ईयर से क्या करते हैं, सुनते हैं। और आइज से हम क्या करते हैं, सी द थिंग्स, मतलब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, सीइंग मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना, फाइव सेंसेस जो आपके देखे, सीइंग, स्मेलिंग, हियरिंग। सीइंग मतलब होता है देखना, स्मेलिंग मतलब होता है सूंघना, हियरिंग का मतलब होता है सुनना, और टेस्टिंग का मतलब स्वाद, ठीक है, या चखना या स्वाद लगाना जो भी कह लो, एंड टचिंग का मतलब होता है छूना, महसूस करना। ठीक, अब देखो सीइंग जो आपका फर्स्ट है, सीइंग जो है आपके, वी सी विद आवर आइज, हम क्या अपनी आँखों से सब चीज़ें देखते हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं हमारे आँखों में जो रिफ्लेक्टेड होते हैं लाइट्स के अकॉर्डिंग, तो वो हम ऑब्जेक्ट्स को अपनी आँखों से देखते हैं। ठीक है, वो हम जैसे ही हमारे आँखों में वो ऑब्जेक्ट्स दिखती है, तो वो एक नर्व्स होती है वो जो आपको क्या करता है कि आपके ब्रेन को मैसेज पहुँचाता है। ठीक है, आपके ब्रेन को क्या करता है, वो मैसेज पहुंचाता है कि हाँ हमने कौन सा ऑब्जेक्ट देखा है। वो नाम कैसे पता चलता है हमें किसी ऑब्जेक्ट का, कि वो हाँ आइज से हम उन ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और हमारे नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन में मैसेज पहुंचता है, जो आपके आइज से कनेक्टेड होते हैं वो नर्व्स, और फिर वो बताते हैं कौन सी चीज़ें हैं, क्या है। ठीक है, अब हमारे जो आइज है वो किससे प्रोटेक्ट होता है, आईलिड से, और क्लीन बाय टीयर्स, अब साफ किससे होता है, आंसू से। जब आंसू बहती हैं, आंखों से निकलती है, तो वो आपके क्लीन हो जाता है, आपके ऑटोमेटिक जो डस्ट है वो डस्ट पार्टिकल सारे बाहर निकल आते हैं। और प्रोटेक्ट किससे होता है, आईलिड से, आपके जो ऊपर में पलके जो है उसको हम बोलते हैं, उससे हम ये हमारा जो आइज है प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट है स्मेलिंग। स्मेलिंग जो है आपका, हम नोज से स्मेल करते हैं, किससे करते हैं, नोज से स्मेल करते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो वो तब पता चलता है कि स्मेल का, कि स्मेल अच्छा है या बुरा है, कैसा है, तो नोज से हमें ये स्मेल का पता चलता है। जब हम नोज से स्मेलिंग लेते हैं, जो स्मेल का जो नर्व्स जो कनेक्ट होता है, जो आपका नर्व्स वो ब्रेन से कनेक्ट है, नोज़ का भी जो है, तो वो जो मैसेज जो है ब्रेन तक आपको बताता है कि स्मेल्स के बारे में, ठीक है, ये स्मेल कैसा है। नेक्स्ट है हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनना। अब सुनते हम किससे हैं, कानों से, तो ईयर से हम सुनते हैं, वी हियर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स, हम जो भी आवाज़ें हैं वो किससे सुनते हैं, अपने कानों से हम सुनते हैं। वी कैन ओनली सी अ पार्ट ऑफ द ईयर, हम कुछ पार्ट्स देख सकते हैं बाहर, मतलब जो ईयर्स के, द पार्ट ऑफ द आउटसाइड द हेड, जो आपका जो आउटसाइड में जो पार्ट रहता है ईयर्स के, उसको हम हेड बोलते हैं। द रेस्ट ऑफ द ईयर्स इन इज इनसाइड द हेड, आप जो आउटसाइड जो आपके हेड की तरफ दिखता है, आप देख सकते हो अपने हेड की तरफ, जो आपके आउटसाइड वाला पार्ट ईयर का दिखता है। फिर इंटरनली जब आपका जो है हेड की, वो जो है उसका पार्ट इनसाइड, वो आप देखोगे कि आपके जो ईयर ड्रम है, जो साउंड्स है आपके, साउंड से जो वाइब्रेट होकर आपके ईयर ड्रम तक जाता है, जो ईयर ड्रम्स हेल्प करता है आपको, वो साउंड्स जो है फिर आपके ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचता है, फिर एकदम से आपको पता चलता है कि हाँ ये साउंड्स किधर से आ रही है, सॉफ्ट है ये साउंड या हार्श है ये साउंड या प्लीसेंट है, कैसा है, तो ये सब चीज़ें जो आपको इस तरीके से पता चलता है। नेक्स्ट आपका टेस्टिंग, हम टेस्ट करते हैं टंग से करते हैं टेस्ट, है ना, अच्छा बुरा खाना जो भी है हम टंग से टेस्ट करते हैं। अब टंग में तो टेस्ट पड़ भी है आपके, आपके चार टेस्ट वर्ड है आपको पता ही है, एक बिटर है, सोर है, स्वीट है, हाँ जी।
इन टेस्ट वर्ड की मदद से हमें पता चलता है कि आपका जो जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, जो मीठा हो, एक खट्टा हो, या कुछ सॉल्टी है, तो ये कड़वा है, कैसे पता चलता है? इन टेस्ट वर्ड की मदद से. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टचिंग. टचिंग मतलब होता है कि स्किन पे कोई टच करता है, फील करते हैं, महसूस करते हैं, रफनेस हो, स्मूथनेस हो, हार्डनेस हो, सॉफ्टनेस हो, हीट हो, कोल्ड हो, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका लुकिंग इनसाइड अवर बॉडी. अब हम करते हैं क्या, अपनी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी. जो आपके ना बॉडी में जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है उसके बात करेंगे. ठीक है, वो हमारे बॉडी के जो इनसाइड में जो पार्ट्स हैं उसके बात करते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द प्रोडक्टिव. देखो, ये जितने भी सारे सिस्टम आपके नाम लिखे हुए हैं, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, इन सबका अलग अलग काम है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? खाने को डाइजेस्ट करना. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी मील लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करना. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका वो ब्रीथिंग सिस्टम है, जहाँ पे आप वो जो ब्रीथिंग सिस्टम जो हेल्प करता है आपको ब्रीथ करने, मतलब सांस लेने में. ठीक है, सांस लेने में ये आपको मदद करता है. आप किसके सांस आप कह सकते हो, नोज़ के थ्रू आप सांस लेते हो, अंदर जाती है आपके ये नोज़ के थ्रू और विंड पाइप के थ्रू, और ये लंग्स में जाती है. ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस जो है आपका ये चलता है. नेक्स्ट है आपका इसका, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम. आपको ये बताया था मैंने, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या ब्लड कैरी करके रखते हैं, ये हमारे पार्ट में जितने भी पार्ट्स की जो ब्लड हैं ये कैरी करके रखता है. और ये जो है आपके क्या करते हैं कि इसमें जो आपके हर्ट है वो टुगेदर वो क्या करते हैं मिलके वो ब्लड को आपके जो पूरे बॉडी में वो सिस्टम को सर्कुलेट करके पूरे बॉडी के पार्ट्स में वो पहुँचाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एक्सक्रेटरी सिस्टम. एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है आपका, जो आपके बॉडी के जितने भी मतलब जो भी हम मील्स लेते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो बॉडी के वेस्ट, वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो इसके थ्रू जो है आपके ही बाहर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका मस्कुलर सिस्टम. मसल्स हैं आपके, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम है ये. आप कितने मसल्स हैं आपके बॉडी में, ये तो मोर देन 600 मसल्स हैं आपके बॉडी में, ये आप सभी को याद रखना होगा ये बात. ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम आपके जो हड्डी हैं, जो ये जो बॉडी के जो कंकाल है उस तरीके से दिखते हैं, आप देख सकते हो, ये जो है आपकी बॉडी को शेप देते हैं. ठीक है, 206 बोन्स होते हैं एडल्ट ह्यूमन बॉडी में. नेक्स्ट है आपका जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कर लेते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है आपका, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेबीज जो है प्रोड्यूस होता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं मैन और वुमेन को बेबीज़ जो है देने में. ठीक है, नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में होता है कि आपकी बॉडी को ये कंट्रोल करके रखता है. ठीक है, मेन ब्रेन वाला पार्ट होता है ये आपका, ये जो बॉडी को ना पूरा कंट्रोल करता है. ये मेन आपका जो है, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें हो रहा हो, तो ये जो कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में होती है, आपके नर्वस सिस्टम के हाथ में होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज. टेक द करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका, इसमें हम फर्स्ट है आपका ये, ईयर इज़ अ सेंस ऑर्गन. आपके जो ईयर जो है वो सेंस ऑर्गन है. ये स्टेटमेंट सही है. आपको मैंने 5 सेंसेस बताए थे ना, कौन कौन से, उसमें ईयर भी है, तो ईयर आपका सही है. नेक्स्ट है लीवर इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. आपको जो लीवर जो है पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का. नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स. ये स्टेटमेंट भी सही है. वेरी शॉर्ट करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपके. फर्स्ट है विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स. कौन सा आपका ये जो ऑर्गन है वो स्मेल करने में हेल्प करता है आपको, सुगंध देने में? नोज, तो नोज लिखेंगे अब सिर्फ. सेकंड है आपका लंग्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम. लंग्स जो है वो कौन से पार्ट का, जो आपके बॉडी में जो और जो ऑर्गन सिस्टम है उसका, उसके कौन सा पार्ट है ये लंग्स? ठीक है, तो ये आपको बताया है. तो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है. हम लिखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है नेम 3 ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के ना 3 ऑर्गन्स का नाम बताने हैं. नोज है, विंड पाइप है एंड लंग्स है. सेकेंड क्वेश्चन है नेम 2 ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के 2 ऑर्गन्स बताने हैं, वो किडनी एंड यूरिन. ठीक है, ये 2 है. नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं. नर्वस सिस्टम का क्या काम है? नर्वस सिस्टम जस्ट अंडर द सर्फेस ऑफ द स्किन हेल्पर्स टू फील थिंग्स. दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन अबाउट वट वी टच. वी कैन फील बेस्ट विद द
टिप्स ऑफ अवर फिंगर्स. मैं इसलिए आपको ये आंसर्स करवा रही हूँ लाइन टू लाइन, जिससे आप अपनी नोटबुक में कुछ गलत ना लिखें. ठीक है बच्चे, बहुत बच्चे कुछ बहुत गलत काम, मतलब बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, जबकि मैंने क्लियर लिखा है. तो आपको भी इसमें से देख के अच्छी हेल्प मिल जाएगी, तो जिनका काम कंप्लीट नहीं है वो कर सकते हैं. ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है आपका कहाँ होता है, सरफेस ऑफ द स्किन ऑफ हेल्पर्स. ठीक है, दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन, वो मैसेज ब्रेन को पहुँचाता है, जिससे हमें पता चलता है क्या चीज़ें ठीक हैं क्या क्या नहीं है. ठीक है, वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू अवर आइज हेल्प अस टू सी, वी सी विद अवर आइज, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स कम इन टू अवर आइज. हम आंखों से देखते हैं, जो रिफ्लेक्ट हमारे आइज के सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसकी रिफ्लेक्शन आती है. इट सेंड मैसेज टू द ब्रेन विच टेल्स अस व्हाट वी सी, ये जो है फिर उसके बाद देख जो ऑब्जेक्ट है हमारे आइज के सामने आता है, वो आइज के सामने आने के बाद जो उसके नर्व्स है वो मैसेज पहुंचाते हैं किसको, ब्रेन को. तो ब्रेन हम बताता है कि ये कौन सी चीज़ें हैं क्या है. ठीक है, अपने चैप्टर को अच्छे से आप लर्न करेंगे.